नमस्ते साथियों, मैं सूरज छेत्री आप लोग सभी को फार्मिंग इंडिया यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज का ये वीडियो बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों को मेरे पूरे पोल्ट्री फार्म दिखाने वाला हूं। मैंने जो 1200 देसी मुर्गियों के लिए कम खर्च में एक फार्म निर्माण किया है, उसे मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूं। और उसके साथ साथ मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि वो फार्म बनाने में मेरा कितना खर्च हुआ था। तो प्लीज साथियों, आप लोग ये वीडियो पूरे लास्ट तक अच्छी तरीके से देखना। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप लोगों को एक छोटी सी रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ। अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। और उसके साथ साथ जो लोग ये वीडियो आसाम से देख रहे हैं या जिन्हें आसामीज भाषा समझ में आता है, हमने उन लोगों के लिए भी आसामीज में एक चैनल बनाया है जिसका नाम है टिप्स आसाम। और उस चैनल में हम आसामीज भाषा में मुर्गी पालन के बारे में जानकारी दे रहे हैं, और उस चैनल का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। जल्दी से जल्दी आप लोग उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर ले और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर ले। तो फिर चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। आप लोग देख सकते हैं मैंने पूरे पोल्ट्री फार्म में इस तरीके से नेट की जाली लगाया है। मैंने पूरे पोल्ट्री फार्म में नेट की जाली इसलिए लगाया है ताकि मेरे फार्म के मुर्गियां फार्म के बाहर आ ना सके, और उसके साथ साथ बाहर के जो भी मुर्गियां है वो मेरे फार्म के अंदर जा ना सके। अगर हम मुर्गियों को इस तरीके से नेट की जाली लगाकर रखते हैं तब मुर्गियों में बीमारी आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाता है। अगर आप लोग व्यावसायिक रूप में ज्यादा मात्रा में मुर्गी पालन करते हैं तब तो आप लोगों को इस तरीके से जाली का इस्तेमाल करना ही चाहिए, क्योंकि दो चार मुर्गियों की बात अलग है। अगर आप लोग 500, 1000, 2000, 4000, 10000 मुर्गियों की पालन करते हैं और उन्हें अगर नेट की जाली लगाए बिना बाहर के मुर्गियों के साथ एक साथ छोड़ देते हैं, तब बहुत सारे मुर्गियां गुम हो जाते हैं, और ज़्यादा मुर्गी होने के कारण आप लोग उन्हें अच्छे से गिनती भी नहीं कर पाएंगे। इसलिए अगर आप लोग पूरे पोल्ट्री फार्म में जाली लगा देते हैं तब फार्म के मुर्गियां फार्म में ही रहते हैं। इसलिए मैंने भी पूरे पोल्ट्री फार्म में इस तरीके से नेट की जाली लगाया है। तो चलिए अब हम फार्म के अंदर जाते हैं। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मेरे फार्म का मेन दरवाजा है, यहीं से मैं फार्म के अंदर जाता हूं। और आप लोग देख सकते हैं यहां मैंने चप्पल रखा हुआ है। ये चप्पल मैं सिर्फ फार्म के अंदर जाने के लिए ही इस्तेमाल करता हूं। फार्म के बाहर मैं जो भी चप्पल इस्तेमाल करता हूं, फार्म के अंदर जाते समय उसे मैं यहीं खोल देता हूं, और उसके बाद ये चप्पल पहन के ही मैं फार्म के अंदर जाता हूँ। ऐसा मैं इसलिए करता हूँ ताकि मुर्गियों में बीमारी ना आए। बाहर हम जो चप्पल का इस्तेमाल करते हैं उसी को पहन के अगर हम फार्म के अंदर चले जाते हैं तब उस चप्पल में बहुत सारे बीजाणु भी आ जाते हैं, जिसके कारण मुर्गियों में बीमारी फैल सकता है। इसलिए फार्म के अंदर जाने के लिए हमें हमेशा अलग चप्पल का इस्तेमाल करना चाहिए। इस दरवाजे से अंदर आने के बाद मैंने मुर्गियों के लिए रहने के लिए जो घर का निर्माण किया है वो यही है। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये 1200 देसी मुर्गियों का फार्म है, और यहाँ ऊपर भी मुर्गियाँ रहते हैं और नीचे भी रहते हैं। ऊपर 600 मुर्गियाँ रह सकते हैं और नीचे 600 मुर्गियाँ रह सकते हैं। कुल मिलाकर यहाँ 1200 देसी मुर्गी बड़ी ही आसानी से रह सकते हैं। इस फार्म को मैंने पूरा बांस से निर्माण किया है। इस फार्म का साइज कितना है, इस फार्म को बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है, वो मैं आप लोगों को वीडियो के लास्ट में बताऊंगा। अब मैं आप लोगों को पूरा पोल्ट्री फार्म दिखाऊंगा। तो चलिए पहले हम नीचे के हिस्से देख लेते हैं और उसके बाद ऊपर के हिस्से देखेंगे। ये जो दरवाजा आप लोग देख रहे हैं, इसी दरवाजे से मुर्गियां सुबह होते ही फार्म के बाहर आते हैं और रात होते ही अपने आप फार्म के अंदर चले जाते हैं। नीचे के हिस्से में तीन कमरे हैं। आप लोग देख सकते हैं मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए मैंने यहाँ ड्रिंकर फीडर लगा के रखा हुआ है। अभी नीचे के हिस्से में ज्यादा मुर्गी नहीं रहते हैं, इसलिए मैंने ड्रिंकर और फीडर कम कर दिया है। कुछ दिन पहले मैंने बहुत सारे मुर्गियों को बेच दिया, और उन मुर्गियों को बेचने के बाद मुझे मुनाफा हुआ या घाटा हुआ उसके बारे में अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर भी वीडियो बना के रखा हुआ है, और उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में देके रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं।
और ये आप लोग देख सकते हैं मेरे फार्म का दूसरा कमरा। इस कमरे को बनाने में जो भी सामग्री का इस्तेमाल किया गया है वो सारे सामग्री मेरे पुराने फार्म के हैं। जो लोग इस चैनल को पहले से देख रहे हैं उन्हें शायद पता होगा कि मैंने पहले 150 मुर्गियों से शुरुआत किया था और 150 मुर्गियों को रहने के लिए मैंने तकरीबन 7000 रुपए में एक फार्म का निर्माण किया था और उस फार्म का एक साल भी कंप्लीट नहीं हुआ था, पर कुछ समस्या होने के कारण उस फार्म को वहां से मुझे हटाना पड़ा और उस फार्म के जो भी सामग्री थे वो सारे सामग्री मैंने यहाँ लगा दिया। उस फार्म को भी मैंने कम खर्च में किस तरीके से निर्माण किया था उसके बारे में भी वीडियो बना के रखा हुआ है और अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं तो उसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे के रखा हुआ है। ये वीडियो खत्म होने के बाद वो लिंक क्लिक करके आप लोग वीडियो देख सकते हैं। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं यहाँ मुर्गियाँ अंडे देती है। और ये आप लोग देख सकते हैं ऊपर के हिस्से में भी मैंने मुर्गी रखा हुआ है। ऊपर के हिस्से में कितने कमरे हैं, कितने मुर्गियां रहते हैं वो मैं आप लोगों को नीचे के हिस्से दिखाने के बाद दिखाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, पूरे लास्ट तक अच्छे से देखना। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये मैंने मुर्गियों को ऊपर बैठने के लिए बनाया है क्योंकि मुर्गियों को ऊपर बैठना बहुत ही पसंद होता है और मुर्गियों को ऊपर बैठने के लिए अगर हम इस तरीके का कुछ इंतजाम कर देते हैं तब बहुत सारा फायदा होता है। देसी मुर्गियों को बैठने के लिए अगर हम बांस या कुछ लकड़ी बांध देते हैं तब हम कम जगह में ज्यादा मुर्गी रख सकते हैं। कुछ मुर्गियां नीचे रहेंगे और कुछ मुर्गियां ऊपर रहेंगे और इस तरीके से हम कम जगह में ज्यादा मुर्गी रख सकते हैं। दूसरा फायदा ये है कि बहुत बार क्या होता है, ड्रिंकर के पानी गिरकर या बारिश के पानी गिरकर फार्म के नीचे गीला हो जाता है और वहां अगर मुर्गियां बैठ जाती है तब मुर्गियों में बीमारी आने की संभावना होती है। और अगर हम मुर्गियों को बैठने के लिए बांस या कुछ लकड़ी बांध देते हैं तब मुर्गियां ऊपर बैठती है और जिसके कारण मुर्गियों में बीमारी आने की संभावना बहुत हद तक कम हो जाता है। और साथियों आप लोग देख सकते हैं ये है तीसरा कमरा। मैंने जो 1200 मुर्गियों के लिए फार्म निर्माण किया है वो कम्प्लीटली बांस से निर्माण किया गया है। ये ऊपर जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी बांस से निर्माण किया गया है। इसके ऊपर भी मैंने मुर्गियों को रखा हुआ है। मैंने ऊपर भी फार्म बनाने का निर्णय इसलिए लिया क्योंकि मुर्गियों को रखने के लिए मेरे पास जगह बहुत ही कम था और मैं अगर ऊपर फार्म नहीं बनाता तब मैं सिर्फ 600 मुर्गियों को ही पाल सकता था, पर ऊपर फार्म बनाने के कारण ऊपर और नीचे दोनों में मिलाकर अब मैं 1200 देसी मुर्गी बड़ी ही आसानी से पाल सकता हूँ। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी बांस से निर्माण किया गया है और ये इसलिए बनाया गया है ताकि छोटे मुर्गी फार्म के बाहर जा ना सके। और ये जो अभी आप लोग जाली देख रहे हैं ये भी बांस से निर्माण किया गया है। इस तरीके का जाली इसलिए बनाया गया है ताकि फार्म के अंदर जो भी गैस होता है वो बाहर बड़ी ही आसानी से निकल जाए और उसके साथ साथ बाहर की हवा फार्म के अंदर आ सके। अब मैं आप लोगों को ऊपर के हिस्से दिखाने वाला हूँ, तो चलिए हम ऊपर के हिस्से देख लेते हैं। फार्म के ऊपर के हिस्से में जाने के लिए मैं ये सीढ़ी का इस्तेमाल करता हूँ और ये सीढ़ी जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये भी बांस से निर्माण किया गया है। इसे चढ़कर अभी मैं ऊपर जाने वाला हूँ, तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। ऊपर भी तीन कमरे बनाए गए हैं और ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं ये पहला कमरा है और इस कमरे में अभी मैंने मुर्गियों को नहीं रखा हुआ है क्योंकि ऊपर के भाग में सिर्फ 300 मुर्गी ही है और उन्हें बाकी के दो कमरे में रखा गया है और इस कमरे में अभी फिलहाल कुछ सामान रखा गया है और जब ज्यादा मुर्गी हो जाएंगे तब यहाँ भी मैं मुर्गियों को रखूंगा। और ये आप लोग देख सकते हैं ये दूसरा कमरा है और यहाँ मैंने सोनाली मुर्गियों को पाल रखा है। अगर आप लोगों के पास भी मुर्गियों को रखने के लिए जगह कम है तो आप लोग भी इस तरीके का फार्म निर्माण कर सकते हैं और नीचे और ऊपर के हिस्से दोनों में मिलाकर मुर्गियों को रख सकते हैं।
अब मैं आप लोगों को ऊपर के हिस्से का तीसरा कमरा दिखाने वाला हूं, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये आप लोग देख सकते हैं, ये है तीसरा कमरा और यहाँ भी मैंने सोनाली मुर्गियों को पाल रखा है, आप लोग देख सकते हैं। दूसरे कमरे में मैंने आप लोगों को जो सोनाली मुर्गियों को दिखाया था वो और ये तीसरे कमरे के सोनाली मुर्गी एक ही बैच के हैं। और आप लोग देख सकते हैं यहाँ भी मैंने मुर्गियों को दाना पानी खाने के लिए ड्रिंकर और फीडर लगा के रखा हुआ है। साथियों, इसी में मैं आप लोगों को एक बहुत ही जरूरी बात बता देना चाहता हूँ, मुर्गियों को अगर हम जमीन से कुछ इंच ऊपर रखते हैं तब मुर्गियों में बीमारी ज्यादा नहीं आता है, क्योंकि मिट्टी का जो गैस होता है उसके कारण भी मुर्गियों में बीमारी दिखाई देता है। और अगर हम जमीन से कुछ इंच ऊपर मुर्गियों को रखते हैं तब मुर्गियों में बीमारी ज्यादा नहीं आता है। ऊपर के हिस्से में मैंने जो मुर्गियों को रखा हुआ है उन्हें अभी तक बाहर नहीं निकाला है, कुछ दिन बाद मैं उन्हें बाहर निकालने वाला हूं। और अगर आप लोग जानना चाहते हैं कि इन मुर्गियों को मैं बाहर किस तरीके से निकालता हूं, तो प्लीज आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। ये जो अभी आप लोग देख रहे हैं, यहाँ बांस के जाली बनाने के बाद मिट्टी से अच्छे से लिपाई पोताई किया गया है, ताकि मुर्गियों का जो मल है वो फार्म के नीचे चला ना जाए। मैंने आप लोगों को फार्म के ऊपर और नीचे दोनों के हिस्से दिखा दिया है। अब मैं फार्म के बाहर जाऊंगा और फार्म के बाहर जाकर आप लोगों को बताऊंगा कि इस फार्म का साइज कितना है और इस फार्म को बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ है। तो चलिए अब हम बाहर जाते हैं। और मैं अभी बाहर आ गया हूं और आप लोग देख सकते हैं मैंने यहां बड़े मुर्गियों को बाहर फ्री रेंज में छोड़ रखा हुआ है। मैंने किस तरीके से फ्री रेंज बनाया है, नेट की जाली लगाने में मेरा खर्चा कितना हुआ है, वो सारे बातें मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो में बताऊंगा, तो प्लीज आप लोग उसके लिए इस चैनल पर बने रहना। इस फार्म का साइज 24x18 है, मतलब इसका लंबाई है 24 फीट और चौड़ाई है 18 फीट। मैंने जो आप लोगों को पहले बताया था, मेरा जो पुराना फार्म था उसे तोड़कर उसके जो सामग्री थे वो सामग्री से मैंने और एक फार्म निर्माण किया है और उस फार्म को मैंने इस फार्म के साथ जोड़ दिया है। और उस फार्म का साइज है 15x6, मतलब उसका लंबाई है 15 फीट और चौड़ाई है 6 फीट। अब मैं आप लोगों को बताऊंगा कि इस फार्म को बनाने में मेरा टोटल खर्चा कितना हुआ। इस फार्म को मैंने जहाँ निर्माण किया है वहाँ पहले गड्ढा था और उस गड्ढे को फिलअप करने के लिए मैंने सोलर ट्रैक्टर मिट्टी डलवाई थी और उस समय सोलर ट्रैक्टर मिट्टी का प्राइस हो गया था 4,500 रुपये। इस फार्म को मैंने बांस से निर्माण किया है तो इस फार्म को बनाने में टोटल 80 बांस लगे थे। और इस फार्म में मैंने टीन का छत लगाया है और 20 mm के 3 बंडल 3 मैंने 7,900 रुपये में खरीदा था और उसे घर पहुंचाने तक मेरा टोटल खर्चा हुआ था 8,500 रुपये। इस फार्म को बनाने में जो मजदूर लगे थे उन्हें मैंने 11,450 रुपये दिया था। इस फार्म को बनाने में टीन और बांस के अलावा मैंने और भी बहुत सारे सामग्री खरीदे थे। और अगर मैं आप लोगों को बताऊं कि इस फार्म को बनाने में A to Z मेरा टोटल खर्चा हुआ था 36,660 रुपये, 36,660 रुपीज इस फार्म को बनाने में मेरा टोटल खर्चा हुआ था। मतलब यही हुआ, मैंने 1200 देसी मुर्गियों का फार्म 36,660 रुपये में निर्माण किया है। तो साथियों, आज का ये वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। आशा करता हूँ वीडियो आप लोगों को पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला। और अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया और वीडियो से कुछ सीखने को मिला तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करना और दोस्तों के साथ और अपने परिवारों के साथ वीडियो को शेयर ज़रूर करना। और अगर आप लोगों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल रंग के सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसमें जो बेल आइकन है उसे भी प्रेस कर लीजिए, ताकि सबसे पहले आप लोगों को वीडियो का नोटिफिकेशन मिल जाए। तो साथियों, आज के लिए बाय बाय, मिलते हैं फिर एक जबरदस्त वीडियो के साथ।